गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बड़े उ की मात्रा के शब्द कि बड़े उ की मात्रा से कौन से शब्द बनते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने बड़े उ की मात्रा पढ़ी थी, कैसे गे तक बड़े उ की मात्रा, जैसे ढ़ पे बड़े उ की मात्रा लगाई तो बड़ा ढू, घ पे बड़े उ की मात्रा लगाए तो बड़ा घू, ख पे बड़े उ की मात्रा लगाए तो बड़ा खू, र पे बड़े उ की मात्रा लगाए तो बड़ा रू। तो ये होती है बड़े उ की मात्रा, और आज हम इस मात्रा से शब्द बनाने सीखेंगे कि बड़े उ की मात्रा से शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो ये है आपकी हिंदी की जो फर्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 26 पे, 26 पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको हम बना के देखते हैं। पहला है दूध, तो द, द पे बड़े उ की मात्रा तो धू, और ध क्या नाम बन गया दूध। फिर है फूल, तो प, प पे बड़े उ की मात्रा तो फू, और ल तो क्या नाम बना फूल। फिर है जूता, तो ज, ज पे बड़े उ की मात्रा तो जू, त, त पे आ की मात्रा तो क्या नाम बना जूता। फिर है भालू, तो भर, भर पे आ की मात्रा तो भा, ल, ल पे बड़े उ की मात्रा तो क्या नाम बना भालू। फिर है आलू, तो ए, ए पे आ की मात्रा तो आ, और ले पे बड़े उ की मात्रा तो क्या नाम बना आलू। फिर है चाकू, तो च, च पे आ की मात्रा तो चा, क पे बड़े उ की मात्रा तो क्या नाम बना चाकू। फिर है चूहा, तो च पे बड़े उ की मात्रा तो चू, और है पे आ की मात्रा तो क्या नाम बना चूहा। फिर हमने पेज नंबर 26 के कर लिए, और 27 पे आपका होमवर्क, तो उन शब्दों को भी हम बना के देते हैं तो हमें और अच्छे से आने लगेंगे। फिर है तरबूज, तो त, र, ब पे बड़े उ की मात्रा तो भू, और ज तो क्या नाम बन गया तरबूज। पहला हमने बनाया दूध, तो द पे बड़े उ की मात्रा तो दू, और ध क्या नाम बना दूध। फिर है फ, फ पे बड़े उ की मात्रा तो फू, और ल तो क्या नाम बनेगा फूल। फिर है ज, ज पे बड़े उ की मात्रा तो जू, त, त पे आ की मात्रा तो जू ता क्या नाम बना जूता। फिर है भ, भ पे आ की मात्रा तो भा, ल, ल पे बड़े उ की मात्रा तो क्या नाम बना भालू। फिर है ए, ए पे आ की मात्रा तो आ, ल, ल पे बड़े उ की मात्रा तो क्या नाम बना आलू। फिर है च, च पे आ की मात्रा तो चा, क, क पे बड़े उ की मात्रा तो क्या नाम बनेगा चाकू। फिर है च, च पे बड़े उ की मात्रा तो चू, है, है पे आग की मात्रा तो चूहा क्या नाम बन गया चूहा। फिर है त, र, ब पे है बड़े उ की मात्रा तो भू, ज तो क्या नाम बन गया तरबूज। तो दूध, फूल, जूता, भालू, आलू, चाकू, चूहा और तरबूज, हमने ये शब्द बनाए हैं जिसमें बड़े उ की मात्रा लगी हुई है। आप इनको लिखो, फिर और आगे शब्द बनाते हैं। अब बड़े उ की मात्रा के कुछ और शब्द बनाते हैं जो आपके होमवर्क में है, वो भी हम बोर्ड पे करके देखते हैं। फिर है कबूतर, तो क, ब पे बड़े उ की मात्रा तो भू, त, र
क्या नाम बन गया? कबूतर। फिर है ऊन, तो ये बड़ा ऊ और मैं, क्या नाम बन गया? ऊन। फिर है तराजू, त रे पे आ की मात्रा तो रा, ज जे पे बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या नाम बना? तराजू। फिर है सूरज, तो से पे बड़े ऊ की मात्रा तो सू रे और ज, तो क्या नाम बना? सूरज। फिर है झूला, झे पे बड़े ऊ की मात्रा तो झू, ल ले पे आ की मात्रा, तो क्या नाम बना? झूला। फिर है मजदूर, तो मैं, ज द पे बड़े ऊ की मात्रा और रे, तो क्या नाम बन गया? मजदूर। तो ये थे आपके बड़े ऊ की मात्रा के शब्द पेज नंबर 26 और 27 पे। तो हमने दोनों पेज नंबर के जो शब्द थे उनको बोर्ड पे अच्छे से किया है, और आपको भी इसको अच्छे से कॉपी में करना है, और इससे मिलते जुलते शब्द और भी लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। तो आज हमने बड़े ऊ की मात्रा के शब्द अच्छे से बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।